हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टाई अप्स विद व्हीकल्स। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में हैं, क्योंकि आपको जब टूर पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हीकल्स का, कि कस्टमर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे जाएगा, तो उसमें आपको उनसे कैसे टाई अप्स करने हैं ताकि आपको बेस्ट B2B रेट मिले। सबसे पहले तो टाई अप्स ही करना, किस तरीके से उनको कॉन्टेक्ट करोगे, किस तरीके से सर्च करोगे, क्योंकि बहुत सारी मैं ट्रैवल एजेंसीज को देखता रहता हूँ, उनको जो व्हीकल्स को लेकर काफी प्रॉब्लम होती, किसी को कार कैब्स नहीं मिलती, टेम्पो ट्रेवलर्स नहीं मिलते, या उनकी सर्विस अच्छी नहीं होती कई बार, तो काफी प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसमें कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ मेथड जिनकी वजह से आपको किस तरीके से उनको सर्च करना और किस तरीके से टाई अप्स उनके साथ करना है। तो ये वीडियो कंप्लीट आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल हमारे टूर पैकेजेस होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज है, जिस भी डेस्टिनेशन में कस्टमर को जाना होता है। यहाँ पे बेसिकली टूर पैकेजेस किन से मिलके बना है, कि लाइक जब ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो गया, जो व्हीकल्स की मैं बात करूँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो गया, होटल्स का पार्ट हो गया, स्टे करना है, एक्टिविटीज का पार्ट हो गया, फूड का पार्ट हो गया, तो इन चीजों से मिलकर डेस्टिनेशन नॉलेज तो होनी चाहिए हमें। तो टूर पैकेजेस से रिलेटेड जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें व्हीकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी की वजह से कस्टमर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रेवल करता है, या जहां उस लोकेशन पे जाके साइट सीन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीकल्स के साथ फिर टाई अप्स करना, उनको फाइंड करना, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखना, ताकि आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। टूर पैकेजेस के बाद हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग से लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उनको कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी कोडिंग हैंडल करती है, टेक्नोलॉजी से कंप्लीट सिस्टम को हम मैनेज करते हैं। तो ये है कंप्लीट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, जिसकी बात हम हर वीडियो में करते रहते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल, आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपकमिंग वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या है, किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, जो व्हीकल्स ओनर हैं उनको किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बिल्कुल इजी है, कि आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सबसे पहले तो है सर्च ऑन गूगल। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको देखो दो तरीके से कीवर्ड आपको सर्च करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कार रेंटल, कहीं पे भी आपको चाहिए कार रेंटल इन दिल्ली। दिल्ली में भी मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ कार रेंटल सर्विसेज इन रोहिणी, रोहिणी सेक्टर 16, कितने भी, मतलब किसी भी तरीके का कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं बात करता हूँ दिल्ली, तो ठीक है कार रेंटल सर्विसेज इन दिल्ली, इस तरीके से ये कीवर्ड पे आप फोकस कर सकते हैं। तो कार रेंटल जैसे ही यहाँ पे किया कार रेंटल इन दिल्ली, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं सर्चेज दिखा देता हूँ कितने सर्चेज आ रहे हैं यहाँ पे कार रेंटल सर्विसेज इन दिल्ली। तो 18,000 से भी ज्यादा सर्चेज है कार रेंटल इन दिल्ली, सेल्फ ड्राइव 8,000 से भी ज्यादा सर्चेज, लग्जरी कार रेंटल इन दिल्ली ये आप 3,000 देख सकते हैं, जूम कार रेंटल 720, मंथली कार रेंटल इन दिल्ली, तो इस तरीके से वेडिंग कार रेंटल इन दिल्ली। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्चेज है जो लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं। और अगर सर्चेज हो रहे हैं जिन कीवर्ड्स पे, उन पे डेफिनेटली एड भी रन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड यहाँ पे रन हो रखी है, और इसमें पेज के यहाँ पे बॉटम में भी यहाँ पे होगी, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से एड यहाँ पे शो हो रखी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखो एड पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आप इन पे क्लिक करके इन पे जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से जब आप यहाँ पे जाएंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ वेबसाइट सर्च करनी है, कुछ वेबसाइट्स पे देखना है जिन पे आपको लगे कि हाँ आपकी जिस तरीके के वेंडर्स को ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये नहीं लगा इतना कि भाई काम से रिलेटेड है, तो मैं कुछ और लिंक सर्च करूंगा। तो यहाँ पे देखो जो बेसिकली स्पॉन्सर्ड बारे में लिंक सर्च कर रहा हूँ, और इसके अदर देन आप जो है ये जो ऑर्गेनिकली रैंक हो रखे हैं इन पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी काम से रिलेटेड हो उससे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये सर्च किया, फिर इसको देखते हैं कि किस तरीके से, वेबसाइट से भी काफी चीजों का पता चल जाता है। देखो लोकल ड्रॉपिंग यहाँ पे हो गया, कहाँ कहाँ से जाना है, ठीक है, तो ये हो गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहिणी, फरीदाबाद, मानेसर, तो ये हो गया लोकल पैकेज, सेडान, SUV, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से रेट बता दिया, आउट स्टेशन पैकेज बता दिया, मिनिमम लिमिट इतनी, ठीक है, और इनका ये हो गया दिल्ली में ये कहाँ पे है। तो इस तरीके से देखो आपको ये एक वेंडर मिल गया कि आप
ठीक है, ये यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखो ये हो गया लग्जरी है, कार फोटो गैलरी, लग्जरी टेम्पो ट्रैवलर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये हायर करनी है गाड़ियों के, यहाँ पे आगे इनोवा क्रिस्टा कार, ये 6+1 सीटर ये हायर करनी है, या कौन सी हायर करनी, किस तरीके की, सबके रेट वेट पर लोकल रेट कितने हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं, ड्राइवर के चार्जेस कितने हैं, कॉल करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और किन किन रूट पे चलती है ये भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से हो गया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करके आपको देखो जो एड रन की हुई है ऑलरेडी उनको बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस चाहिए, बिजनेस तो वैसे सबको चाहिए, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर वो अच्छे है उनकी वेबसाइट पे जाके किस तरीके से है, कौन कौन सी कार उनके पास अवेलेबल है, टेम्पो ट्रेवलर, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। उसके अदर देन देखो उस एरिया में लिस्टिंग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग कार रेंटल दिल्ली का, ये हो गया लग्जरी सेल्फ ड्राइव कार रेंट ए कार दिल्ली। तो इस तरीके से देखो आप इनकी वेबसाइट पे जाके या इनके रिव्यूज चेक करके, सबसे बड़ी बात है देखो आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, इनके रिव्यूज चेक करो, 4.6 रिव्यूज, यहाँ पे ड्राइवर वॉज वेल ड्रेस्ड एंड द मेन थिंग वॉज वेरी फनी एंड वेल मैनर्ड। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं आप, कितने लोगों से इनकी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जाके, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, डायरेक्शन कॉल वगैरह कर सकते हैं, इनके जो फोटो पिक्स विक्स है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोर प्लेसेस ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कितने सारे यहाँ पे वेंडर्स मिल जाएंगे जिनके रिव्यूज अच्छे, देखो 510 में 5 स्टार रेटिंग है, 4.9 स्टार रेटिंग है, ठीक है, कितने सारे यहाँ पे ओपन होके आगे। तो आप इन सब पे देखो लिंक ओपन करके, आप देखो वेबसाइट पे देखो, कॉल करो इनको, इनसे मीटिंग करने जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपने सर्च किया यहाँ पे गूगल पे, तो इनके पास ऑलरेडी काफी कार्स अवेलेबल हैं, काफी इनके पास खुद की कार होती है, कुछ इन्होंने टाई अप्स कर रखे होते हैं, तो आपको एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ आपका ये वेंडर हो गया। अगर आपको दिल्ली में अगर कार की रिक्वायरमेंट है या दिल्ली में, दिल्ली से आसपास कहीं पे भी जाना है, तो आपके पास 10-12 वेंडर्स हो गए जिनके पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इनपे क्या होगा कि ऑलरेडी सारे कार कैब्स टेम्पो ट्रेवलर सब चीजें अवेलेबल होती है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके इनसे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो इनसे शेयर करके इनसे B2B रेट ले सकते हैं। इसमें दो चीजें होती है, एक तो आप खुद की गाड़ियां लो तो वो अच्छी बात है, पर खुद की भी 4-5 ले सकते हो स्टार्टिंग में, और उसके बाद कुछ टाई अप्स करो कि अदर जो डायरेक्ट कार ओनर है उनसे टाई अप करो। तो उसमें क्या होगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट कार ओनर से कॉन्टेक्ट करने लग जाओगे, तो उसमें एक तो सबसे पहले तो टाइम ज्यादा लगेगा, और उसमें भी क्या होता है कि वो जो कार ओनर है टेम्पो ट्रेवलर के, जिनके पास एक एक दो दो अपना टेम्पो ट्रेवलर है, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि कभी वो खाली आपको मिलेंगे, अवेलेबल मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे एजेंटों से उन्होंने कॉन्टेक्ट कर रखा होता है, तो वो भी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनको कभी भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उन्होंने भी सभी एजेंट्स को कह रखा होता है। तो महीने में फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो 2-3 बार अगर आपने उनको कॉल किया, और वो क्या पता बिजी हो उस टाइम, वो टेम्पो कहीं हिमाचल गया हो, कहीं उत्तराखंड या कहीं और किसी पार्ट में गया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आपको फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप उनसे कॉल कर रहे हो और हर टाइम अवेलेबल नहीं हो रहा, और अवेलेबल हो भी जाता है तो फिर कई बार क्या होता है कि जब नए नए हम किसी से कॉन्टेक्ट करते तो हम हमारा इतना कंट्रोल नहीं रह पाता उस पर कि वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा, किस तरीके से हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है रास्ते में, बीच रास्ते में, तो किस तरीके से वो उसको सोल्व करेगा, या ये बहुत सारी चीजें हो जाती है। पर अगर आप इस तरीके की जो मैंने सर्च करके दिखाया इन कंपनी से टाई अप करते हैं, तो इनके पास ऑलरेडी काफी अच्छे कनेक्शंस होते हैं। अगर एक कनेक्शन के पास अगर वो टेम्पो अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरे कनेक्शन से पूछेंगे, दूसरे से, और कुछ इसके इनके खुद के होते हैं, तो जब भी आप इनको कॉल करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और इनका जो भी इनके साथ एसोसिएट होते हैं, जो भी टेम्पो ट्रेवलर कार ओनर इनके साथ एसोसिएट होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो उन पे कंट्रोल इनका रहता है, क्योंकि उन्हें कंट्रोल रहता है, क्योंकि जो जिससे भी टाई अप करते, क्योंकि इन्हें अपनी कंपनी की भी रेपुटेशन बनानी है, जो मैं दिखा रहा था 4.9 रेटिंग, 5.0 रेटिंग, 4.88 रेटिंग, वो ऐसे ही नहीं आती, जब सर्विस अच्छी देते हैं तो इसलिए वो भी उसी के अकॉर्डिंग आप टाई अप करेंगे, जिन भी कार रेंटल से वो टाई अप कर रहे हैं, एक एक दो दो कार कैब्स है जिनके पास, उनसे टाई अप कर रहे हैं, तो उनसे क्या कर रहे हैं कि वो सर्विस को देखते हैं, सब सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं,
हैं कि किस तरीके से ये बिहेव करेंगे, किस तरीके से कार चला रहे हैं, किस तरीके से सारी चीजें, कब से एक्सपीरियंस है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके के वेंडर 10-12 वेंडर आपने अपनी लिस्ट में डाल लिए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डायरेक्ट करना है तो आप एक बार डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं कि किसी, क्या पता कुछ ऐसे आपके कनेक्शन बन जाए जहां पे आपको अवेलेबल रहे वो, या नया टेम्पो लिया हो या इतने अच्छे कनेक्शन ना हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि जो ये कंपनीज होती है किसी से भी ऐसे टाई अप नहीं कर लेती। पहले उन पे अच्छे से उनको देखती है किस तरीके से उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह बनता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, टेम्पो ट्रेवलर खराब हो जाता है, तो ये बैकअप प्लान रहता है इनका कि भाई हमारी गाड़ी आ जाएगी, नया टेम्पो आ जाएगा। क्योंकि हम भी देखो वीकेंड पे जो भी हमारे ट्रिप्स भी चलते रहते, कई बार देखो गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी खराब होगी, टेम्पो खराब हो गया, जैसे ये ग्रुप टूर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हमने मतलब इस तरीके से कॉन्टेक्ट किया हुआ है कि भाई पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन, जो भी टेम्पो ट्रेवलर कार कैब्स की रिक्वायरमेंट है तो उस वेंडर से हमें लेनी है जो उसमें डील करता है। तो अगर मान लो एक तरीके से खराब हो गया तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग मतलब बैकअप में रहता है, तो वो अवेलेबल करवा देती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो कोई इश्यू नहीं रहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये सर्च ऑन गूगल करके, और इस तरीके से आप अपने कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं। दूसरी चीज है ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस आपको, आपकी ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है तो आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होगी। ऑनलाइन प्रेजेंस में किस तरीके से, आज का टाइम जैसे ऑनलाइन का है, सब डिजिटली ही सब कुछ देख रहे हैं कि अच्छा ये लोकेशन है, यहाँ पे ये होटल है, अच्छा कार बुक करनी है, ये बुक करनी है, और चीजें बुक करनी है, या किसी कोई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, या इवन ट्रैवल एजेंसी को भी सर्च करना है तो वो सर्च करते हैं ट्रैवल एजेंसी इन दिल्ली, या ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, या ट्रैवल एजेंसी किसी भी डिफरेंट पार्ट में, जहां पे भी उन्हें सर्च करना है। तो अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी नहीं है, या आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं है, गूगल माई बिजनेस पेज नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम ये यहां पे अगर आपने अकाउंट्स क्रिएट नहीं किए हुए, तो आपको मतलब आप कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाओगे, कस्टमर्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। या आपने यूट्यूब चैनल अगर आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे डेस्टिनेशंस की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे भी ग्रुप टूर जैसे जाते हैं, तो जो होटेलियर्स हैं वो भी कांटेक्ट करते हैं, एक्टिविटी प्रोवाइडर्स उस एरिया में वो भी कांटेक्ट करते हैं, या टेम्पो ट्रेवलर प्रोवाइड करने वाले, कार रेंटल वाले, वो भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि अरे ये एजेंसी अच्छा कर रही है, इनसे कॉन्टैक्ट करो। क्योंकि अगर मार्केट में जाएगा फेसबुक पे शेयर करके, आप ट्रैवल एजेंट्स के ग्रुप में शेयर कर रहे हो कॉन्टेंट, आपकी वेबसाइट है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास खुद से ही आने शुरू हो जाएंगे, होटेलियर्स भी आपके पास आएंगे, एक्टिविटी प्रोवाइडर्स भी आपके पास आएंगे, कार रेंटल टेम्पो ट्रेवलर में डील करते हैं वो भी आपके पास आएंगे। तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी इंप्रूव करनी है, कंटेंट क्रिएट वही है, ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करने के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट आप खुद से क्रिएट करो, या आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करो, तो इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करना है। या ट्रैवल इंडस्ट्री में तो आप देखते हैं कि यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट ही बहुत ज्यादा हो जाता है। जो भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो घर से निकलने से लेके जब तक घर नहीं आता, वो अब हम जा रहे हैं, अब हम होटल चेक इन कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम पैराग्लाइडिंग, अब हम रिवर राफ्टिंग, जो भी चीजें वो करता है, अब हम खाना खा रहे, तो वो सारे कंटेंट क्रिएट करते हैं। या हम स्नो फॉल में एंजॉय कर रहे हैं, हम रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस कंटेंट का भी यूज आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में या ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करने में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली फिर क्रिएट कंटेंट लोगों को, जो कार रेंटल वाले हैं, होटेलियर है, एक्टिविटी, सबको आपके बारे में पता चलेगा, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप कार रेंटल हो गया, या इस तरीके से कार रेंटल हो गए, टेम्पो ट्रेवलर, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सर्च ऑन गूगल में जब करते हुए, एक तो मैंने कहा था कि ट्रेवल एजेंसीज इन सॉरी कार रेंटल सर्विसेज इन उस एरिया में, कार रेंटल सर्विसेज इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, ये किया था। अगर मतलब इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं, हायर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, तो इस तरीके से दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर, कार हायर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू मनाली, इस तरीके की कीवर्ड सर्च करेंगे आप, तो यहां पे आपको क्या होगा, यहां पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो ये यहां पे एड चली हुई है, टैक्सी बाजार, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से। और यहाँ पे आपको
जैसे हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली आगरा जयपुर का रेंटल, तो इस तरीके से सर्चेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको उन पे क्लिक करना है और आपको देखना है कि हाँ ठीक है, कंपनी ठीक है, रिव्यूज कैसे हैं, वेबसाइट कैसी है, ठीक है। और देखो जैसे क्लाइंट्स वगैरह का देखो, ओवर हैप्पी क्लाइंट्स, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि ट्रैवल एजेंसी में ही इतना कॉन्टेंट क्रिएट हो जाता, कॉन्टेंट क्रिएट। तो आप इस तरीके से अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए भी कर सकते हैं कि इन्होंने किस किस को सर्विस प्रोवाइड की हुई है। तो आप देखो ये इनकी, देखो वी ड्राइव इन दीज सिटीज, वाह कितनी सारी सिटीज हैं, ऑलमोस्ट काफी कवर किया हुआ है इन्होंने। तो इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि जिस रूट के लिए आपको कार हायर करनी है, तो वहां पे आपको सर्च करना इस तरीके से। कुछ आपको पेड एड दिखेंगी यहाँ पे, गूगल एड, और कुछ आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखेंगे, और कुछ आपको जो गूगल माई बिजनेस पेज लिस्टिंग है वो दिखेगी। देखो कितनी सारी यहाँ पे लिस्टिंग है। तो आपको देखना है, वेबसाइट पे जाओ, रिव्यूज चेक करो, उनसे बात करो, उनसे मीटिंग करके आओ। तो आप इस तरीके से आपके 10-12 वेंडर्स आपने अच्छे बना लिए, तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अदर देन फिर आपको फॉर एग्जाम्पल बस की भी रिक्वायरमेंट है। बस में अगर किसी को जाना हो तो बहुत सारे है बस पोर्टल, जैसे जिंक बस है, लक्ष्मी हॉलीडेज है। तो इस तरीके से इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सबसे पहले तो वेबसाइट से ही पता चल जाएगा कि इनकी क्वालिटी या इस तरीके से जो भी है, रिव्यूज चेक कर सकते हैं। ट्रेवल एनीवेयर कितनी, देखो ये बसेस भी है चंडीगढ़ में 29 बस अवेलेबल, 17 बस अवेलेबल हरिद्वार में, 16 धर्मशाला में, 3। तो इस तरीके से है, वीडियोस आप देख सकते हैं, हाउ टू बुक, ट्रैक योर, कितनी सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये रूट भी इन्होंने बता दी कि कहाँ कहाँ से है, ऑफिस एड्रेस इन्होंने दे दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिंग इलेक्ट्रॉनिक, अब तो गोवा टू मुंबई भी चल पड़ी, दिल्ली टू लुधियाना, दिल्ली टू, क्योंकि काफी मैं दिल्ली से मनाली जब भी जाता हूँ, दिल्ली से मनाली शिमला, तो जिंग बस से ही जाता हूँ। और जब आपको एजेंट बनना है, रजिस्टर एज ए ट्रेवल एजेंट, तो आप यहाँ से अपना एजेंट डैशबोर्ड इनका ओपन हो जाएगा। फोन नंबर डालो, एंटर पासवर्ड, साइन अप करने के लिए आपको इस तरीके से साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको फोन नंबर डालो, तो आपको इस तरीके से साइन अप यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी कंपनी की डिटेल देनी होगी, तो आपको यहाँ पे B2B पोर्टल मिल जाएगा इनका। B2B पोर्टल में फिर इनकी जहां जहां बस जा रही होगी, आप देख सकते हैं कि किस सिटी से किस सिटी में जा रही है, डेट क्या है, तो वहां पे सर्च करो तो बस इसके ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वही बस, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1200 में कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वही बस आपको 1000 या 800-900 रुपए में मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि सीजन टाइम है, ऑफ सीजन है, कब जाना है, कितनी डिमांड है। तो बेसिकली आपको B2B रेट मिल जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी बसेस हैं, इंटरसिटी हो गया, लक्ष्मी हॉलीडेज हो गया, और भी बहुत सारी है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आप बस इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं B2B ट्रैवल पोर्टल। अगर आपको B2B, अगर मैं बात करूं B2B ट्रैवल पोर्टल, अगर आपको अब चाहिए कि मुझे तो फ्लाइट में भी थोड़ा डील करना है, या इस तरीके से फ्लाइट फ्लाइट हो गया, ट्रेन हो गया, या और अदर जो भी है ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होते हैं, उनमें अगर आपको डील करनी है तो आपसे उनसे कांटेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले देखो B2B ट्रैवल पोर्टल लिखा आपने, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाओ, इनसे देखो, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑप्शन आया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया। तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो, इनसे कांटेक्ट करो, इनकी टीम से। यहाँ पे देखो ये देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट है, कितने ट्रैवल एजेंट, 50,000 ट्रैवल एजेंट जुड़े हुए हैं, 55 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर अगर आपको फ्लाइट्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बस भी अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, क्रूज अवेलेबल है, कार कैब्स अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट B2B पोर्टल भी ले सकते हैं। B2B पोर्टल ले लिया, आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, पूरा डैशबोर्ड, वहां पे जहाँ की भी आपको बुक करनी है, फ्लाइट वगैरह, ट्रेन वगैरह, क्रूज व्रूज, तो आप वहां से बुक कर सकते हैं। और इसी तरीके से इनका भी देखो B2B पोर्टल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करो, जिसका भी रिव्यूज चेक करो, इसके रिव्यूज चेक करो, इस कंपनी के रिव्यू चेक करो, जहां पे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया TBO, हो गया ट्रेवल बुटीक ऑनलाइन, ये हो गया B2B ट्रेवल एजेंसी, ये हो गया जहां पे भी आपको ट्रेवलो प्रो हो गया, तो जहां पे भी ई ट्रैव हो गया, तो जहां पे भी आपको लगे कि हाँ भाई इनके अच्छे रेट्स है, अच्छी टीम सपोर्ट कर रही है, टाइम से रिप्लाई कर रही है,
तो आप उनसे कांटेक्ट करो। तो इस तरीके से आप जो बाकी के ट्रांसपोर्टेशन के मेथड है उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट के व्हीकल से कैसे टाई अप करना है, कांटेक्ट करना है, सर्च करना है। तो अगर ये मेथड आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आप इसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये काफी अच्छे मेथड है। जैसे सर्च ऑन गूगल हो गया, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट, कंटेंट बस के को बनाना है, या B2B ट्रेवल पोर्टल, क्योंकि जो व्हीकल्स वाले होते हैं डायरेक्ट होते हैं। जैसे मैं बाकी होटल से टाई अप करना है या DMC से टाई अप करना है, तो मैं बोलता हूँ कि ट्रेवल इवेंट्स में जाओ, जैसे सैटे हो गया, TTF हो गया, BLTM हो गया। पर जो कार प्रोवाइडर है वो वहां पे स्टॉल्स वगैरह नहीं मिलेगी आपको। अगर वो विजिट भी करेंगे तो एज ए गेस्ट विजिट करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कौन कैसे है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप जाओगे इस इंडस्ट्री में आपको पता चलेगा। और ऑनलाइन प्रेजेंस आपने इंप्रूव कर ली, क्रिएट कंटेंट कर लिया, वो खुद से ही कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे। और आपको कॉन्टैक्ट करना, आपको सर्च करना, सर्च गूगल पे करके आपको आप यहाँ से कनेक्शंस बना सकते हो आपके अच्छे। तो ये था इस वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, बाकी की वीडियोस को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।